इंडियन स्लॉथ बेयर यानी भारतीय सुस्त भालू मेलेसर्स उर्सिनस, लेकिन आप नाम पर मत जाइए, ये आलसी नहीं होते। ये करीब 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। स्लॉथ बेयर यानी रीछ की छाती पर अक्सर वाई ओ या यू के आकार में फर का एक सफेद पैच होता है। एक मजबूत शरीर और शक्तिशाली पैरों के साथ यह मीडियम साइज का भालू पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम होता है। स्लॉथ बेयर को उनके झबरा काले कोट जैसी स्किन, लंबे थूथन, उभरे हुए होंठ और छाती पर एक अलग सफेद वी आकार के पैच से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके आहार में फल, जामुन, फूल, मधुमक्खी के छत्ते, कीट, लार्वा और अन्य कीड़े होते हैं। स्लॉथ बेयर काफी एग्रेसिव होते हैं और टाइगर से सामना होने पर भी पीठ दिखाकर नहीं भागते, डट कर मुकाबला करते हैं। लेकिन अगर स्लॉथ बेयर को टाइगर की प्रेजेंस का पता चल जाता है और टाइगर की नजर उस पर ना पड़ी हो तो वो पतली गली से निकल जाता है। दुधवा नेशनल पार्क में एक टाइगर को स्लॉथ बेयर ने मार दिया था। वहीं एक टाइगर था जिसने कई स्लॉथ बेयर मारे थे उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर। स्लॉथ बेयर अपने लंबे थूथन का उपयोग करके दीमक और चींटियों को वैक्यूम की हेल्प से बाहर निकालते हैं। 400 से अधिक वर्षों से स्लॉथ बेयर का मानव द्वारा शोषण होता रहा है। कुछ खानाबदोश जिन्हें कलंदर कहा जाता था, उन्होंने भालू पकड़कर मुगल काल के दौरान शहंशाहों के दरबार में भालू से डांस कराना शुरू कर दिया। जब राजा रजवाड़े खत्म हुए तो भालू डांस ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए सस्ते में सड़क किनारे का मनोरंजन बन गया। सर्कस में भालू से काम लिया जाने लगा। स्लॉथ बेयर मुख्य रूप से दीमक और चींटियों को खाते हैं और उन्हें खोदने के लिए उनके लंबे घुमावदार पंजे का उपयोग करते हैं। स्लॉथ बेयर एकांत प्रिय प्राणी है और आमतौर पर निशाचर होते हैं, यानी रात में एक्टिव रहते हैं। वे लंबाई में 6 फीट तक बढ़ते हैं और मेल का वजन 150 केजीज तक हो सकता है, जबकि फीमेल का वजन 100 केजीज तक होता है। इनका गर्भधारण 6 से 7 महीने का होता है। स्लॉथ बेयर एक बार में 2 कब्स को जन्म देते हैं। स्लॉथ बेयर के कब्स अपनी माँ की पीठ पर सवार होते हैं, जो भालुओं के बीच एक अनूठी विशेषता है। IUCN रेड लिस्ट यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में स्लॉथ बेयर को वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। 1967 में वॉल्ट डिज्नी की बुक द जंगल बुक में बल्लू को एक स्लॉथ बेयर के रूप में चित्रित किया गया है। इसके रूसी संस्करण में उन्हें एक एशियाटिक ब्लैक बेयर के रूप में चित्रित किया गया है। 2016 के संस्करण में बघीरा द्वारा बल्लू को स्लॉथ बेयर कहा गया है, हालांकि उसकी अपीयरेंस हिमालयन ब्राउन बेयर के समान दिखती है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन स्लॉथ बेयर यानी कि भालू या फिर रीछ के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।